कराची एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जांबहक हो गए। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गई। ज़राए का बताना है कि सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि PIA की परवाज का लैंडिंग से एक मिनट कबल का राब्ता मुनकता हो गया था। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल रहे थे, जिस पर परवाज को राउंड अप का कहा गया, लेकिन उस दौरान जहाज गिर गया। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें 85 मुसाफिर इकोनॉमी क्लास में, 6 बिजनेस क्लास, जबकि दीगर अमले के अरकान थे। ज़राए ने बताया कि तैयारे के कप्तान का नाम सज्जाद गुल है, जबकि तैयारे के अमले में उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, रफीक और मदिया इरम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तैयारा मॉडल कॉलोनी और मलिर कैंट के करीब जिना गार्डन के पास आबादी पर गिरा है और इसमें गिरते ही होलनाक आग लग गई। तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। तैयारा गिरने से कबल करीब में मौजूद रिहायशी इमारतों की छतों से टकराया, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और घरों की छतों पर भी आग लग गई, जबकि तैयारा गिरने के बाद इलाके में खड़ी गाड़ियों को भी आग लग गई। कैमरामैन फारूक अली के साथ नबी बख्श खास के लिए ऑनलाइन इंडस्ट्री वी कराची।